नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com के सेवन न्यूज। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। जनता की भागीदारी के साथ अब बिहार चुनाव में सभी अपने भाग्य आजमा रहे हैं। इसी क्रम में चलते चलते क्या करेंगे नेताजी कार्यक्रम में गोपालगंज से हमारे सहयोगी भारत मिश्र ने प्रत्याशियों से साक्षात्कार किया, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं भरत मिश्र और आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com। चलते चलते कार्यक्रम के तहत आज मैं मौजूद हूं बगरा पंचायत में। इससे पहले जब परिसीमन नहीं हुआ था तो सिंहपुर पंचायत था और उस पंचायत में कोऑपरेटिव में अध्यक्ष पद पर आपका नाम सुदर्शन गिरी जी। आप कोऑपरेटिव फेडरेशन में भी पहले रहे हैं 1995 से लेकर 2005 तक। इसके पहले आपने क्या किया था? इसके पहले हम तो अपना मेडिसिन प्रैक्टिस करते थे और खेती गृहस्थी करते, समाज सेवा करते थे। अभी आप जब कोऑपरेटिव में थे तो बहुत सारी अभी दिक्कतें आ रही हैं कोऑपरेटिव फेडरेशन में, उसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं? उसके लिए तो मान लीजिए हम जो कोऑपरेटिव के संबंधित अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, चाहे प्रबंधक हैं, उसको भी जिम्मेवार, सरकार को भी जिम्मेवार मान रहे हैं। दोनों आदमी की गलती है। अभी धान की खरीद बिक्री में बहुत ज़्यादा खामियां आई, उसमें किसको आप फिर दोषी ठहराएं? हम 50% तो सरकार की खामियां मानेंगे। इसलिए सरकार की खामियां मानेंगे कि मान लीजिए जो अगर कोई किसान चाहे कोई भी जो समिति से जुड़ना चाह रहा है, वो अपना शेयर दे करके अपना सदस्य बनना चाह रहा है, तो सरकार पावर दे दी है पैक्स अध्यक्ष को कि चाहे पैक्स अध्यक्ष चाहेगा तो नाम जुटेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं जुटेगा। ये सरकार की गलती है। अभी आप पंचायत चुनाव में मैदान में हैं, जनता के बीच में हैं, क्यों आप मुखिया पद की दावेदारी कर रहे हैं? ऐसा है कि हम पहले बार 2010 में चुनाव लड़े हैं जी, वह सामान्य सीट था। जनता ने हमको अपना नकार दी, बहुत कम वोट से हम चुनाव जीते। उसके बाद जब पगरा पंचायत बना तो पगरा पंचायत में सीट रिजर्व हो गया जी। राम बीच राम यहाँ के प्रत्याशी हुए और हम उनके मतलब समर्थक हुए। आप एक तरह से चाणक्य की भूमिका में रहे। अब जैसा भी हो, मैंने हमारा तो ये सोच था कि ठीक है भाई, हमारे गांव के राम बीच राम एक गरीब प्रत्याशी हैं, उनके साथ में हमने सहयोग दिया और जनता हमारी बात को सुनी। हमारे ईमानदारी पर, जनता हमारे कहने पर, हमारे प्रचार करने पर, विश्वास पर राम बीच राम को मुखिया बनाई और राम बीच राम हमारे ऊपर विश्वास करके अपना प्रतिनिधि बनाए। राम बीच राम और हम उनके प्रतिनिधि बन करके और अपने पंचायत में विकास किए हैं। आपने पंचायत में सुधार किए? बहुत सुधार हुआ। बहुत ज़्यादा शिकायतें आती हैं, कहीं नली गली नहीं है, कहीं पे अभी लापरवाहियाँ बरती गई, और वृद्धा पेंशन योजना में भी, गरीबों के राशन योजना में भी बहुत लोगों के का राशन बंद हुआ, उसके लिए आपने क्या किया? ऐसा है कि राशन जो बंद दिया, जो भी यहाँ से हथुआ से जो भी नोटिस आया राशन कार्डधारी के पास, उन लोग जा करके अपना डेट अपने डेट पर जवाब अपना दिए। उसके बाद भी हथुआ अनुमंडल से उन लोगों का राशन रिलीव नहीं हुआ। उसके बाद मुखिया लोगों के हाथ में तो कोई राशन कार्ड है नहीं, ऑनलाइन लोग करते हैं। अभी आप पंचायत चुनाव के मैदान में हैं, कौन कौन सी योजनाएं आई हैं आपके पंचायत के अधीन? हमारे वहाँ नल जल योजना चल रहा है, नली गली योजना चल रहा है। 15वीं से मान लीजिए कि सड़क की भी व्यवस्था था, अब नया नया में स्ट्रीट लाइट का भी आया है। हम लोग सर्वे करके स्ट्रीट लाइट लगाने के हर पंचायत में दिए हैं। मनरेगा में भी धांधली के कहीं कहीं पे ये कहे जा रहे हैं कि बहुत धांधली हुई है। दूसरी बात यह है कि नल जल योजना में लोगों को की शिकायत है कि बहुत सारे नल टूटे पड़े हैं, तो इसमें आप किसको जिम्मेवार मानेंगे? हम इसमें सरकार को जिम्मेवार मानेंगे। कोई भी मुखिया है चाहे कोई भी वार्ड सदस्य, अगर नल जल की काम योजना पूरा कर दे रहा है, उसका एस्टिमेट MB सब बुक करके सरकार के सौंप दे रहा है, उसके बाद भी मान लीजिए मेंटेनेंस के लिए सरकार आज 5 साल के हो गया, एक भी पैसा सरकार मेंटेनेंस के लिए नहीं दी। जो ऑपरेटर बनकर चलाता है, वार्ड सदस्य चलाता है ट्यूबवेल, उसको आज तक एक पैसा नहीं मिला। जब किसी को सरकार एक पैसा देवे नहीं करेगी तो समय से पानी कौन चालू करेगा? मुखिया जी, जिला स्तर पर मुखिया का एक अध्यक्ष चुना जाता है, उसकी जवाबदेही होती है कार्यक्रम पदाधिकारी के पास, जो ब्यौरा है उसको दिया जाए। क्या आपके क्षेत्र के मुखिया इसके लिए कभी प्रयास करते हैं? हम लोग DM साहब के मीटिंग में इस बात को रखे हैं। मुखिया संघ के अध्यक्ष तो अलग है, हम लोग खुद DM साहब के इस प्रस्ताव को रखे हैं। आज तक मेंटेनेंस के लिए जो भी मुखिया अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए जो भी त्रुटियां होती अपने पास से लगाते हैं लोग। अभी छानबीन के दौरान पता चला कि 10 लाख तक की लगभग योजनाओं को मुखिया अपने हाथ से कहीं भी करा सकता है। हाँ जी,
10 लाख तक की योजनाओं को मुखिया कहीं भी करा सकता है, वैसे में आप इस क्षेत्र में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? एकदम किए थे, जो हमारे 15वीं में पैसा था उसको 14वीं में 14वीं का इस्तेमाल हुआ है। मुस्लिम के लिए कब्रस्तान का 14वीं में व्यवस्था था, मुस्लिम के लिए हम कब्रस्तान की घेराबंदी करवाए हैं, और जहाँ मुखिया के अथी था सोलिंग खड़ाए हैं 14वीं से, उसके बाद 14वीं बंद हो गया, 15वीं आ गया। अगर आप मुखिया चुने जाते हैं तो इसमें क्या क्या सुधार करेंगे? हम तो पहले अपने वहाँ हम अपने हर विद्यालय के शिक्षा पर ध्यान देंगे कि टीचर लोग समय से आएँ, बच्चों को समय से पढ़ाएँ। उसके बाद हमारी जनता की जो पुकार है, जैसे मान लीजिए बहुत जगह पानी की समस्या है, नाली वगैरह नहीं है, वहाँ सोख्ता वगैरह का सरकार प्रधान दिए, हम लोग सोख्ता बनवाएंगे, और जनता के जो गरीब है उसको राशन कार्ड के लिए करेंगे, जो वृद्धा पेंशन लाइक 60 वर्ष का हो गया है उन लोगों को प्रेरित करें कि वो अपना दे करके वृद्धा पेंशन कराओ। वृक्षारोपण योजना को आप कितना सफल मानते हैं गांव? वृक्षारोपण योजना को तो हम एकदम बिल्कुल खिलाफ मानते हैं। क्यों? इसलिए कि सरकार समय से पैसा जो बल पोषक रहता है सरकार उसको पैसा नहीं देती है। इसके लिए आप लोगों ने प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास कभी क्रियान्वयन समिति की बैठक में इस बात को सामने रखा? नहीं, ये पीओ के पास हम लोग रखे, प्रखंड पीओ जो होता है उसके पास रखे हैं। बीडीसी के अंतर्गत जो बातचीत निकल के सामने आती है या फिर वीडियो के अधीन जो बातचीत निकल के सामने आती है, वो लोग कहते हैं कि मुखिया लोग कभी ये बात स्पष्ट किए ही नहीं है। कार्यक्रम पदाधिकारी लोग कहते हैं कि इस पे कोई कभी बात की जाती है लेकिन उसको क्लियर तरीके से नहीं समझाया जाता है, हम इसके लिए किसको दोषी माने? हम लोग तो इस बात को अपने मीटिंग वीडियो साहब के मीटिंग जब मीटिंग रहता है तो हम लोग इस बात को रखते हैं, पीओ साहब से मीटिंग होती थी तो पीओ साहब के पास भी रखते हैं, और साथ में अथी में इसके भैया अभी जो जल जीवन हरियाली योजना है, स्ट्रीट स्लाइड योजना है, कहीं कहीं स्ट्रीट स्लाइड लगी है लेकिन टूटी हुई है, किसको जिम्मेवार माने? देखिए ये बरसात का मौसम है, कहीं कहीं वर्थिंग माने मोर्चा पकड़ने से हुआ है, तो मान लीजिए उसके मेंटेनेंस के लिए तो सरकार कोई पैसा दे नहीं रही है, जब लग गया लग गया। बार बार जनता का तो यही कयास रहता है जो गरीब लोग हैं कि सरकार उसकी रिपेयरिंग करेगी या समय से देखभाल करेगी, तो वैसे में आप किसको जिम्मेवार माने? सरकार जब तक मान लीजिए उसके विषय में कुछ नहीं देगी मेंटेनेंस के लिए, तो मुखिया चाहे कोई भी प्रतिनिधि अपने पास से कहाँ से करा पाएगा? फिलहाल बहुत सारी शिकायतें ग्रामीण क्षेत्रों से निकल के सामने आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि सदस्यों को आज तक कोई अधिकार नहीं दिया गया, किसको जिम्मेवार माने? ये तो जो नहीं अगर सदस्य का अधिकार नहीं दिया, जो मुखिया नहीं दिया, तो इसकी जिम्मेवारी मुखिया की क्यों नहीं दिया? इसके जिम्मेवार तो मुखिया है। अगर आप चुन के आते हैं तो क्या सुधार करें? हम तो हर वार्ड सदस्य के खाते में अपने मुखिया से कह करके पैसा भिजवाए हैं, जो कि कितने वार्ड सदस्य के खाते में पैसा पड़ा हुआ है, वार्ड सदस्य के द्वारा काम नहीं कराया गया। बातों का सिलसिला लगातार जारी है, घूम रहे हैं गांव-गांव में, खबर निकाल रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की पुकार है, जनता का समय चल रहा है, क्या जवाब देगी, किसके पक्ष में निर्णय लेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। चुनावी परिणाम का इंतजार रहेगा, उसके बाद ये जनता फिर 5 सालों तक मुख्य दर्शक बनी रहेगी। फिलहाल गोपालगंज से kausalmati.com के लिए भरत मिश्र की रिपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट, शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब www.kausalmati.com।